नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट एंड फिक्शन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने विकलांगता और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी इतिहास रच दिया। फैक्ट एंड फिक्शन। दोस्तों, हमारे आसपास की दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो काम न करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। कहते हैं, हमारी जान पहचान नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं है, या फिर हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के बहाने बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो वक्त के सताए हुए थे, विकलांग थे, अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो परिस्थितियों से भागे नहीं, बल्कि डटे रहे और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने न सिर्फ सफलता पाई बल्कि दूसरों के लिए भी नजीर बन गए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का टाइटल है बेस्ट मोटिवेशनल सक्सेसफुल हैंडीकैप्ड पीपल। नंबर 10 पर है सुधा चंद्रन। दोस्तों, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने भरतनाट्यम में महारत हासिल की है। वो जब 3 साल की थी तभी से उनको डांस में दिलचस्पी थी और तभी से वो भरतनाट्यम की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो बस से कहीं जा रही थी तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और इसमें उनका एक पैर चला गया। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। अब उनके लिए डांस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रैक्टिस करती रहीं और कृत्रिम पैरों के साथ ही उन्होंने भरतनाट्यम में महारत हासिल कर ली और भारत की सबसे बड़ी भरतनाट्यम अभिनेत्री में अपना नाम भी शामिल करवा लिया। नंबर 9 पर हैं सैम कॉर्थन। दोस्तों, सैम कॉर्थन एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 2006 में अकस्मात उनका बायां हाथ और दायां पैर चला गया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब उन्हें सारी जिंदगी सिर्फ व्हीलचेयर पर आराम करके ही गुजारनी पड़ेगी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो कुछ करके दिखाएंगे। उनका मानना था कि आपकी हालत के लिए आपका फैसला ही जिम्मेदार होता है, हालात नहीं। इसके बाद उन्होंने पूरे विश्वास के साथ लगातार मेहनत की, पब्लिक स्पीकिंग सीखा और 2009 में यानी ठीक 3 साल बाद उनको यंग ऑस्ट्रेलियन का अवार्ड भी दिया गया और इस तरह वो दुनिया के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बने। नंबर 8 पर हैं राल्फ ब्रॉन। अमेरिका के इंडियाना में जन्मे राल्फ ब्रॉन, ब्रॉन कॉरपोरेशन के सीईओ और संस्थापक थे। ब्रॉन कॉरपोरेशन विकलांग लोगों के लिए वाणिज्यिक व्हीलचेयर और सुलभ वाहन और अन्य उपकरण प्रदान करता है। जब वो 6 साल के थे तब उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पता चला। दोस्तों, मसल डिस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे किसी की मसल्स क्षीण होने लगती हैं। इसके बाद उसका खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है, चलने फिरने की तो बात ही छोड़िए, वो इतना कमजोर हो जाता है कि बिना सहारे के उठ बैठ भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, बावजूद इतनी कठिन बीमारी के उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी और महज 20 साल की उम्र में उन्होंने चारों ओर घूमने के लिए एक मोटराइज्ड स्कूटर बनाया। उन्होंने प्लेटफॉर्म से सुसज्जित पहली व्हीलचेयर सुलभ वैन भी बनाई और उन्होंने अपनी फर्म ब्रॉन कॉर्पोरेशन की शुरुआत की जो विकलांगों के लिए व्हीलचेयर तथा अन्य मेडिकल उपकरण बनाते हैं। उनकी नई सोच और साहस की वजह से उनको सन 2012 में अमेरिकी सरकार द्वारा परिवर्तन का चैंपियन नामित किया गया था। दोस्तों, नंबर 7 पर है अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों, वैसे तो माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोगों ने फतह हासिल की है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा भारत ही नहीं दुनिया की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दोस्तों, वो एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन एक ट्रेन में सफर के दौरान कुछ बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की और इसका विरोध करने पर उन्हें उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया।
इसके बाद उनके ऊपर से एक के बाद एक 49 ट्रेनें गुजरी, जिसकी वजह से उनके पांव की सारी हड्डियां कुचल गईं और हड्डियों को एक साथ जोड़े रखने के लिए उनके घुटने में एक रॉड डाली गई। डॉक्टरों ने उनसे बोल दिया था कि वो बमुश्किल ही चल पाएंगी और हो सकता है सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही रहें, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया और एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन इस निर्णय के लिए उनका उपहास किया गया क्योंकि उनके पैर चलने के काबिल ही नहीं थे, पर ऐसा करने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हुआ था जो असंभव सा लग रहा था, पर अपने प्रशिक्षण और इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने पृथ्वी के उच्चतम बिंदु पर विजय प्राप्त की, जो कि एक अच्छी फिटनेस वाले इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। उनका यह मानना था कि असफलता तब तक नहीं है जब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में नाकाम हो जाते हैं। असफलता तब होती है जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य ही नहीं होते। दोस्तों, अरुणिमा के इस जज्बे को एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर 6 पर हैं क्रिस्टोफर रीव। दोस्तों, क्रिस्टोफर रीव एक अमरीकी अभिनेता, निर्देशक, फिल्म निर्माता और कार्यकर्ता थे। एक फिल्म के फिल्मांकन के दौरान वो घोड़े से नीचे गिर गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और उनकी गर्दन नीचे लटक गई। बाद में पता चला कि वो अपने शरीर का एक भी अंग अब हिला नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो आत्मघाती हो गए। लेकिन अपने परिवार के प्यार, समर्थन और अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने ठीक होने का फैसला किया। वो इजराइल गए, जहां तब स्टेम सेल अनुसंधान और रीढ़ की हड्डी की चोटों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थीं। इजराइल यात्रा करने और रोगियों से मिलने के बाद उन्होंने रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में दुनिया को सूचित करने के लिए अपने नाम का उपयोग करने का फैसला किया। विकलांगों के लिए उन्होंने व्यापक काम किए। उन्हें अमेरिकन पैरालिसिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और विकलांगता पर राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। रीढ़ की हड्डी की चोटों पर अपने शोध को जारी रखने और दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने रीव इरविन रिसर्च सेंटर की स्थापना की, क्रिस्टोफर रीव फाउंडेशन बनाया, जिसके जरिए हजारों लोगों की मदद की गई। नंबर 5 पर हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम किसने नहीं सुना होगा। वो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा रूजवेल्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी वकील भी थे। दोस्तों, सन 1921 में कनाडा में छुट्टियां मनाते समय उन्हें पोलियो का पता चला था और कमर के नीचे के हिस्से में लकवा मार गया था, जिसके चलते उन्हें राजनीति से निकलने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने दृढ़ मनोबल के साथ लगातार मेहनत की, और उनके उसी दृढ़ संकल्प और मेहनत की वजह से अमेरिका के लोगों ने उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना। वाकई दोस्तों, दृढ़ संकल्प और मनोबल किसी से कुछ भी करवा सकता है, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसी का एक सबूत थे। नंबर 4 पर हैं हेलेन केलर। हेलेन केलर एक अमेरिकी लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। जन्म के समय तो वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन जब वो 1.5 साल की हुई तब उन्हें एक गंभीर बीमारी ने बहरा और अंधा बना दिया, और तब उन्हें परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के निदेशक द्वारा एक शिक्षिका एनी सुविलिन को सौंपा गया। एनी सुविलिन हेलेन की मेंटर और जीवन भर की साथी बन गई और उन्हें संवाद करना सिखाया। अंधी और बहरी हेलेन ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ सीखने की आदत और एनी की मदद से रेडक्लिफ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने वाली पहली नेत्रहीन मूक बधिर व्यक्ति बन गई। उन्होंने बहुत जल्द ही मूक बधिरों की सांकेतिक भाषा सीख ली और व्याख्यान भी देना शुरू कर दिया, और अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से वो एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में दुनिया के सामने आई। दोस्तों, उनके ऊपर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन उनमें से एक फिल्म आपको अच्छी तरह से याद होगी, जिसमें रानी मुखर्जी ने एक्टिंग की थी। उस फिल्म का नाम था ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी के मेंटोर बने थे श्री अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे विकलांग व्यक्ति के बारे में जानते हैं
जिसने अपने जीवन में कुछ अचीव किया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3 पर हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे और विकलांग लोगों में से एक थे। सालों से उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी, लेकिन सन 1654 में वो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राजनीति पर मजबूत विचार रखे। उसी के साथ उन्होंने भाषण में स्वतंत्रता की वकालत की और एक प्रसिद्ध कवि के रूप में दुनिया के सामने आए। आज जॉन मिल्टन की कविताएं पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। नंबर 2 पर हैं निकोलस जेम्स। निकोलस जेम्स ऑस्ट्रेलिया के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जन्म से ही उनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे और इसी के चलते स्कूल में बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उनका मनोबल तोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों से और अपने शरीर से हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही काम करना शुरू कर दिया और वित्तीय योजना में विशेषज्ञता के साथ वाणिज्य में स्नातक हुए। उनकी हिम्मत और अद्भुत साहस की वजह से सन 1990 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन यंग सिटीजन अवार्ड जीता। निकोलस जेम्स को हमारा सल्यूट है। बेस्ट मोटिवेशनल सक्सेसफुल हैंडीकैप्ड पीपल में नंबर 1 पर हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध अंग्रेज भौतिकी विज्ञानी तथा लेखक थे। उनके प्रसिद्ध कार्यों और थीसिस में ब्लैक होल, कई दुनिया की व्याख्या, ब्रह्मांड विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण तरंगों, क्वांटम यांत्रिकी तथा सामान्य सापेक्षता के क्षेत्र शामिल हैं। स्टीफन हॉकिंग अमायोट्रोफिक लेटरल नाम की एक दुर्लभ स्थिति से पीड़ित थे, जिसकी वजह से वो विकलांग बन गए। उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। बावजूद इसके उनकी लगन और साहस की वजह से उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड से नवाजा गया। उनके अनुसंधान, लेक्चर और सूत्र आज पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, विकलांगता और परिस्थितियों को दृढ़ संकल्प और मनोबल से किस प्रकार जीता जा सकता है, और ये सभी लोग जीते जागते सबूत हैं सफलता के, हिम्मत के, दृढ़ संकल्प के। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, यूं तो हैं दुनिया में लोग बहुत, चंद वो ही याद रह जाते हैं जो इतिहास नहीं बनते, इतिहास बना के जाते हैं। दोस्तों, उठिए, मेहनत कीजिए और अपने दृढ़ संकल्प से अपना स्वयं का इतिहास रचिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से घंटी का बटन दबाकर उसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए नए बेहतरीन वीडियोस आपको लगातार मिल सकें।